की जय भीम। ये भी धमकियां दे रहे हैं, दो प्रधान दो प्रधान दो प्रधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कठुआ की जमीन से अपने विरोधियों को साफ साफ संदेश दिया कि बीजेपी के एजेंडे में राष्ट्र प्रथम है। कश्मीर पर बीजेपी की लाइन शीशे की तरह साफ है, इसलिए कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A के मुद्दे पर पीएम मोदी ने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों पर तूफानी प्रहार किया। तीन तीन पीढ़ी पार से यहाँ पर कब्जा जमा के बैठे हुए अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार को कहना चाहता हूं, ये मोदी है न बिकता है न डरता है न झुकता है। मोदी ने जम्मू कश्मीर की तीन तीन पीढ़ियों की बदहाली के लिए दो परिवारों को सीधे जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने लोगों से कहा कि कश्मीर की बेहतरी के लिए दोनों परिवारों की विदाई जरूरी है। इन दोनों परिवारों को मैं कहता हूं, तुम्हारे पूरे कुनबे को मैदान में उतार दो, चाचा मामा भाई भतीजा भांजा साला, जितनी गोलियां गालियां मोदी को देनी है दे दो, लेकिन इस देश के टुकड़े नहीं कर पाओगे। बीजेपी धारा 370 और 35A को कश्मीर के विकास में बाधा मानती है, इसलिए कश्मीर को लेकर बीजेपी अपना रुख संकल्प पत्र में साफ साफ दोहरा चुकी है। कठुआ में पीएम के तीखे तीरों का जवाब महबूबा मुफ्ती ने अपने अंदाज में दिया। बीजेपी के तमाम लीडर है उनको जहनी बीमारी हो गई है। ये मुल्क एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गंगा जमनी तहजीब के तहत इकट्ठे रहते हैं। जो इसकी खिलाफत मुखालफत करेगा, जो इसके खिलाफ बोलेगा, वो उसका जो है, मेरा ये है कि उसको किसी डॉक्टर के पास जाके अपना दिमागी तवाज़ुन ठीक करना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने सीधे पीएम मोदी की कथनी और करनी पर सवाल उठाया और इतिहास के पन्नों को पलटते हुए 1999 और 2015 को याद दिलाया तो फारूक अब्दुल्ला ने भी पीएम मोदी पर पलटवार में देर नहीं लगाई। 47 से जनसंघ का यही था, एक प्रधान एक विधान एक निशान, कोई नई बात नहीं है, मर कर नहीं सकेंगे। वजीरम क्या कहते हैं, जितने भी उन्होंने वादे किए थे वो सब पूरे नहीं हुए, सब फेल हो गए। नौकरियां कहाँ हैं, कीमतें कम करनी थी वो कहाँ गई। पीएम मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की जमीन से कही गई उनकी बात का असर कहाँ तक और कितना होगा। धारा 370 और 35A पर बीजेपी के रुख पर कश्मीर की सोच भले ही अलग हो, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की सोच बीजेपी की सोच से कितनी मेल खाती है। ऐसे में पूरे चुनाव प्रचार में मोदी धारा 370 और 35A के मुद्दे पर बीजेपी के राष्ट्रवादी एजेंडे को धार देते रहेंगे तो कश्मीर घाटी में खास वोट बैंक की सियासत करने वाली पार्टियां धारा 370 और 35A के चुंबक से अपना वोट खींचने की कोशिश करती रहेगी।